भ्रष्टाचार रूपी दीमक सड़कों तक को खा रहा है। 2 साल तक सड़क बनाने का ढोंग करते हुए जैसे तैसे सड़क का काम पूरा हुआ, लेकिन पहली ही बरसात में 25 किलोमीटर की इस सड़क में भ्रष्टाचार की दरार आ गई है। 2 साल पहले जब डिंडोरी के अमरपुर विकास खंड को जोड़ने वाली सड़क का काम शुरू हुआ तो गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार आपके चेहरे की मुस्कान को कैसे छीन लेता है, इसकी हकीकत ये सड़क बता रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल तक 25 किलोमीटर सड़क बनाने का काम चलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत बनी ये सड़क मौसम की पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और जगह जगह से उखड़ गई। इसमें कई जगह दरारें पड़ गई हैं। ये अभी तो अभी बना है, नया है, अब इसमें हमको सुविधा ठीक था, पर अभी हमको देख कर किसको परेशानी हो गई। अब इसमें मवेशी गाय सब इसी में आना जाना गाड़ी, अब ये हालत तो ये देखिए साहब, अब ये बिल्कुल दरार मार दिए। सड़क के इस तरह उखड़ने की जानकारी जब मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक JP मेहरा से ली गई तो महाप्रबंधक 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश की दुहाई देने लगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त है। अभी क्या है कि 2-3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है और बिलिंग बीच में है, वहाँ पर हमने प्रोटेक्शन वाल भी बनाई हुई है, तो हो सकता है शोल्डर जो मिट्टी के शोल्डर है वो स्लिप हुए हैं, उस कारण से जो है थोड़ा सा क्रैक्स आए हैं, वो हमने 2-3 दिन में हमको उसको ठीक करवा देंगे। संबंधित ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया है, बहुत जल्दी उसमें सुधार पूरा हो जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।